नमस्कार साथियों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के साक्षात्कार की तैयारी के लास्ट ईयर के अभी 8, 9, 10, 11, 12 अगस्त के प्रमुख क्वेश्चन के प्रमुख ऑडियो और वीडियो। दोस्तों, अभी तक हम इसका पहला सीरीज मैं आपके लिए सेंड कर चुका हूँ। अब है दोस्तों दूसरी सीरीज। दूसरी सीरीज के अंतर्गत आपके क्वेश्चन आता है। सबसे पहला है महेश यशवंत जी का इंटरव्यू है शिव सिंह जी राठौड़ के बोर्ड में। सबसे पहले उन्होंने पूछा था कि 10th कहां से आपने की, उसके बाद में बीटेक की। तो दोस्तों कॉलेज नेम उनसे पूछा गया कि बीटेक आपने कहां से की। फिर उनसे पूछा गया दोस्तों कि आपके इतिहास के स्रोत क्या क्या, क्योंकि उन्होंने हिस्ट्री में MA किया था। उसके बाद में उनसे पूछा गया कि इतिहास किस आधार पे लिखा जाता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि पिछली जो वीडियो में भी हमने देखा था कि इतिहास के कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों ये पूछा गया है कि अरावली की कुल लंबाई कहाँ से कहाँ तक है। अरावली में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों के बताइए। राजस्थान का प्रमुख उद्योग धंधा कौन सा है और आपकी जो पोस्टिंग है वो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, तो बताइए प्रतापगढ़ का पूरा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है या प्रतापगढ़ जिला आधा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आता है। मनरेगा योजना से लोगों के जीवन में क्या सुधार है, मनरेगा के बारे में और जानकारी दोस्तों प्राप्त कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दिलीप सिंह जी का है, जो कि बाड़मेर के है। इनके RD सैनी जी का बोर्ड आया था। इनसे पूछा गया सामाजिक न्याय क्या क्या होता है, वर्तमान में कौन सी स्कीम सामाजिक न्याय के अंतर्गत चल रही है। उनकी हॉबी थी लंगा व मंगनियार के लोकगीत सुनना। तो उनसे पूछा गया कि लोकगीत क्या होते हैं, लंगा व मंगनियार में अंतर क्या क्या है, उनके प्रमुख वाद्य यंत्र दोनों के अलग अलग होते हैं उनका नाम क्या है, आपको कौन सा गीत पसंद है गा के सुनाओ, बाल काटने वाली घटना जो भी उस साइड में ज्यादा हुई है उनके बारे में बताओ, आपका क्या मानना है। तो वो ये देखना चाहता है कि आप कहीं अंधविश्वासी तो नहीं है, क्योंकि आप प्रशासक बनना चाहते हैं तो आपका दृष्टिकोण वो तार्किक होना चाहिए। बाबा रामदेव के दर्शन हेतु जाने वाले पैदल यात्रियों के बारे में आपका क्या मानना है। तो दोस्तों जो एक ये आस्था का इस प्रकार से ये विषय है। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं कि सर इससे वैज्ञानिकता भी जुड़ी हुई है, इससे काफी एक लोग हैं उनमें आत्मविश्वास आता है, उनमें एक आशा की किरण जागती है, एक मोटिवेशन का काम करती है। दूसरा, आज के भौतिकतावादी युग में व्यक्ति बहुत कम चल फिर जाता है, तो मन्नतें मांगने से इस प्रकार करने से उसके वॉक भी हो जाती है, इससे शरीर भी उसका सही रहता है। कोई लोग महीने में एक बार गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं 21 किलोमीटर की, तो सर मेरा मानना है कि इससे बेहतरीन अच्छा ही होता है, क्योंकि वातावरण चेंज होता है तो व्यक्ति में एक नया कुछ सीखने को मिलता है, लोग जुड़ते हैं, एक जीवन में एक उत्साह आता है। उसके बाद में बाबा रामदेव जी के जीवन से संबंधित प्रश्न उनसे पूछे गए थे, अंधविश्वास को कैसे दूर किया जा सकता है, तो उनके बारे में शिक्षा के द्वारा दूर किया जा सकता है। बाड़मेर में तेल और कोयला के क्षेत्र में मिलने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। दोस्तों काफी बेहतरीन चीज आई, क्योंकि हम बाड़मेर जिले के आसपास काफी बेहतरीन लोगों का आना जाना हुआ, वहां पर शिक्षा का स्तर बढ़ा, इससे आसपास के वातावरण में एजुकेशन स्टाइल बढ़ी, वहां पर इंडस्ट्री काफी अच्छी लग रही है, वहां पर रूरल कनेक्टिविटी काफी अच्छी हो रही है। और पहले जो लोग गांव ये मानते थे कि गवर्नमेंट जो जॉब है वो काफी मुश्किल है या शिक्षा है वो कोई काम की नहीं होती इतने, लेकिन इस प्रकार से पढ़े लिखे लोगों के यहाँ पर आने से वहाँ के वातावरण में शिक्षा का महत्व लोगों को मालूम पड़ा, इससे कई सामाजिक बुराई या अंधविश्वास है वो घटी है। तो दोस्तों ये काफी फायदेमंद हुआ है। उसके बाद में नीतीश जी शर्मा का ये इंटरव्यू है, अजमेर के रहने वाले थे। उनसे पूछा गया, ये बोर्ड था वो राजकुमारी गुज्जर मैम का बोर्ड था, उन्होंने MBA किया था दोस्तों, और इसके बारे में उनसे पूछा गया था कि इस फील्ड में क्यों आना चाहती है MBA करने के बाद। तो दोस्तों ये MBA वाले जो चीज़ है वो थोड़ा आप देख लेना कि आपके पास तार्किक उत्तर होना चाहिए कि ये काफ़ी अच्छी है, जितनी ज़्यादा क्वालिटी होगी उतना बेहतरीन प्रशासन में आप यूज ले सकते हो, मैनेजमेंट, और प्रशासन है क्या, मैनेजमेंट ही तो है। दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति का प्रमुख उद्देश्य होता है आगे बढ़ना, जीवन में मनुष्य का ये परम कर्तव्य होता है और धर्म होता है कि वह हमेशा जीवन में आगे बढ़ता रहे, कभी भी
एक जगह पर रुकना भी नहीं चाहिए। तो जब जब अवसर मिले आगे बढ़ने का, लोगों के लिए और ज्यादा बेहतरीन करने का, तब तक आगे बढ़ना चाहिए। जयपुर की दो नदियों के नाम बताओ, सरकार की कोई तीन प्रोजेक्ट जो जयपुर में चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब उसके बारे में ये पूछ सकते हैं, तीन प्रोजेक्ट का जैसे ही नाम लोगे ना, तो उसमें जैसे इन्होंने ले लिया मेट्रो प्रोजेक्ट, घाट की घूनी या आप रिंग रोड, ये तीन प्रोजेक्ट का नाम ले सकते थे। अब इन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट को जैसे ही लिया, तो मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में उनसे पूछ लिया कि कितने चरणों में चल रहा है, दो चरणों में चल रहा है, राजस्थान की समस्या है उसका समाधान क्या क्या है, जयपुर का कोई त्यौहार जो केवल महिलाओं के द्वारा पूजा जाता है, ये तीज के बारे में उनसे पूछा गया। उसके बाद में गुड़ला त्यौहार किस दिन मनाया जाता है, तो ये दोस्तों ये गुड़ला त्यौहार है वो आपके जोधपुर में मनाया जाता है, चैत्र शुक्ल आपके अष्टमी को। उसके बाद में महिला सशक्तिकरण हो गया था या अभी भी नहीं हुआ जोधपुर में, ये या फिर राजस्थान में या भारत में के संदर्भ में ये पूछ रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण आज वर्तमान में हुआ है कि नहीं हुआ है। प्राइवेट जॉब जहाँ एसी जैसी सुविधा होती है, तो आप इन धूप वाले क्षेत्र में क्यों आना चाहती है, जैसे MBA की उन्होंने किया है, तो जहाँ जहाज बंदरगाह पे ज्यादा सुरक्षित रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो समुद्र में उतरे ही नहीं, है ना। ये काफी बेहतरीन उत्तर इन्होंने दिया है नीति जी शर्मा ने, कि जहाज बंदरगाह पे ज्यादा सुरक्षित रहता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो समुद्र में उतरे ही नहीं। मैं आपको कहता हूँ इन्होंने 6 लगाया है, और देख लेना इनके मार्क्स इस कारण से औसत से बेहतरीन आएंगे, मतलब वो नेगेटिव नहीं आएंगे। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना आप लोग, कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा डेयरिंग साहस करते हुए जितना बेहतरीन परफॉर्म अपनी पर्सनैलिटी को बताता है, उतना ज्यादा वो प्रभावित करेगा लोगों को, क्योंकि ये आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट है, न कि आपके नॉलेज का। इसके माध्यम से वो आपके पर्सनैलिटी को निकालना चाहते हैं, एक बात ध्यान रखना है दोस्तों। इसलिए अब आपकी जितना साहसी बनोगे, जितना आप कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दोगे, उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। इसमें एक सर के द्वारा वेरी गुड कहा गया, अब देख लो दोस्तों, और वो देख लेना ये जो वेरी गुड कहा है, ये इंटरव्यू के जो मेंबर है, ये दोस्तों उस लड़की को नीचे नहीं गिरने देंगे। मैं ये नहीं कहता कि उस लड़की के हाईएस्ट मार्क्स आएंगे, पर मैं ये कहता हूँ कि जितने किसी भी लोगों के एक मार्क्स आएंगे, उससे इस लड़की के मार्क्स एबो रहेंगे, एबो से भी, औसत से भी एबो रहेंगे। जयपुर में पानी की समस्या क्या क्या है, राजस्थान में कितने संभाग है। अब देखो दोस्तों ये इजी इजी क्वेश्चन पूछने लग गए। चित्तौड़गढ़ क्यों प्रसिद्ध है, जयपुर से विधायक कौन कौन से, मदर मिल्क बैंक से संबंधित, जैसे दोस्तों दो है मदर मिल्क बैंक, पहले तो 2013 में खुला था दोस्तों उदयपुर में, जो कि निजी है, उसके बाद में ये आपके खुला था जयपुर में, आपके सरकारी क्षेत्र का, जयपुर में SMS के सामने है ये वहां पे। गर्भवती महिलाओं के लिए कोई योजना, बहुत सारी योजना दोस्तों उसमें आप बता सकते हैं। ये एक छात्र के कोई तीन गुण, मैथिली शरण गुप्त की कोई कविता। उसके बाद में दोस्तों आते हैं हेमेंद्र सिंह जी, इनके बारे में दोस्तों हम पहले वाले में देख चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। ये अतुल जी सैनी का इंटरव्यू है, अजमेर के रहने वाले हैं ये, और KL बगड़िया सर का ये बोर्ड था। उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा, 10th 12th एंड ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, आज के न्यूज़पेपर से कोई 5 या 6 सवाल। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रोज के ऑडियो आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, 800-300-2825 मेरे ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर रोज के अपने इंटरव्यू से पहले मेरे से ऑडियो आप ले सकते हो। मेरे पास 2-3 इंटरव्यू के ग्रुप बने हुए हैं, वहां पर भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ। और जो भी इंटरव्यू जो सुन रहा है, उनसे निवेदन है कि जो भी इंटरव्यू के आपके दोस्त है जिनका आज इंटरव्यू है, उन दोस्तों को सुबह से ही मेरा जो ऑडियो आपको प्राप्त हो जाता है, वो उन लोगों तक जरूर पहुंचा दे, जिससे कि उनकी हेल्प हो सके। दोस्तों आज के न्यूज़पेपर से 5-6 सवाल पूछे, जैसे कि पाकिस्तान के नए PM का नाम बताओ, उनकी पार्टी का नाम बताओ, नवाज जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके बाद में नवाज, आप कौन कौन से, उनके ऊपर कौन कौन से आरोप लगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने इस्तीफा क्यों दिया, नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर बताइए, GST से संबंधित व्यापारी वर्ग विरोध क्यों कर रहा। तो दोस्तों ये आप थोड़ा ये याद रखना, क्योंकि ये अभी काफी फेमस है ये व्यापारी वर्ग विरोध का। गुजरात की राजनीति से संबंधित जो भी राज्यसभा के चुनाव हुए,
या अभी दोस्तों अभी थोड़ा ये मुद्दा इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, बिहार की राजनीति से संबंधित पूछा गया, ये अभी इम्पोर्टेंट है और आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट होगा, इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, जिसका भी इंटरव्यू बाद में है। राजस्थान से संबंधित बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। टाटगढ़ अभ्यारण्य दोस्तों ब्यावर में है, और पनामा लीक व नवाज शरीफ से संबंधित ये मामला भी अभी गर्माया हुआ दोस्तों, ये ध्यान रखना है थोड़ा, इस पर क्वेश्चन आप थोड़ा अच्छे तैयार करना। अब है नरपत लाल जी जो कि बाड़मेर से हैं, इनका इंटरव्यू है। मीणा सर का बोर्ड था, 10th और 12th ग्रेजुएशन बेस के क्वेश्चन पूछे गए। भीमराव अंबेडकर की प्रमुख डिग्रियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। राजस्थान जीके से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे गए थे, न्यायालय से संबंधित जैसे कि हाई कोर्ट से संबंधित अधिक क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में बाड़मेर का प्रति व्यक्ति पशु घनत्व, क्योंकि दोस्तों बाड़मेर में काफी अच्छे मात्रा में पशु है। बाड़मेर में आई बाढ़ से संबंधित, ये कवास में जो बाढ़ आई थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। ब्रह्मा जी का मंदिर है दोस्तों वो जो कि आसोत्राम बना हुआ है राजस्थान में, ये दूसरा है। राजस्थान के साक्षरता लिंगानुपात दर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आरपीएससी और अकाउंट सर्विस दोनों में से किसको ज्यादा प्राथमिकता दोगे, तो नेचुरल सी बात है कि उन्होंने आरपीएस को ही चुना होगा। और आरपीएससी में नवाचार से संबंधित उन्होंने क्वेश्चन पूछे कि ये क्या क्या हो रहा है। बाड़मेर में हुए पेपर लीक से संबंधित, माना जा रहा है कि बाड़मेर में जो पेपर है वो लीक हुए हैं, जबकि ऐसा था नहीं, आपको ये बताना है, क्योंकि ऐसा आरपीएससी के मेंबर के द्वारा कुछ भी नहीं कहा गया, तो आपको उस पर सीधा सा आरपीएससी के पक्ष में जाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अब आता है दोस्तों जोधपुर के है विक्रम देवी दास जी, ये बागड़िया सर का बोर्ड था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन से प्रश्न पूछा गया, तत्कालीन करंट अफेयर से दोस्तों कोई क्वेश्चन पूछा गया कि अरविंद जी पंगड़िया ने अपना से संबंधित उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इसका वास्तविक कारण क्या है, तो उनको तो यही बताना है कि उन्होंने यही बताया कि कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उनका टाइमिंग नहीं बढ़ाया, जबकि ये भी कह सकते हैं कि सरकार से उनकी बात चल रही है और कुछ मतभेद भी सामने आए थे इकोनॉमिक रेट को लेकर, तो हो सकता है। उसके बाद में नीति आयोग का सबसे अच्छा व बुरा कार्य बताए। कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत डायनेमिक रैम व स्टेटिक रैम क्या होती है, ये पहली बार क्वेश्चन है, एक बार ध्यान रखना, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के पर्सन है वो ज़्यादा चिंता मत करना, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कंप्यूटर से थोड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए वो थोड़ा सावधान रहना। कंप्यूटर से बेसिक क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, 2-3 लोगों के कंप्यूटर से जिनका था उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये भी इनसे अभी विक्रम जी से भी अभी क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में बॉर्डर एरिया की प्रमुख समस्या है, तस्करी किन चीज़ों की होती है, और बॉर्डर से रिलेटेड दोस्तों सीमावर्ती छात्र कार्यक्रम है वो माडा है वो पूछा जा सकता है। अब आता है दोस्तों राजवीर यादव जी का इंटरव्यू है, कोटपुतली जयपुर है, सैनी सर का बोर्ड था। इसमें लोकल एरिया बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा अधिक थे, हॉबी पूछी गई कृषि, तो उन्होंने पूछा कि कृषि कार्य में नवाचार आप कैसे कैसे करोगे, आपके क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में से लोगों को फायदे व नुकसान क्या क्या है, क्योंकि ये दोस्तों ये है वो कोटपुतली जयपुर से रिलेटेड है और अलवर क्षेत्र इससे नज़दीक पड़ता है। वर्तमान में शिक्षक अतः शिक्षा विभाग से संबंधित समस्याएं पूछी गई और उसमें वो उन्होंने क्या क्या उनके पास सुधार के लिए उपाय थे वो पूछे गए, जैसे बच्चों का नामांकन बढ़ाना है, प्रमुख कृषि योजनाएं कौन कौन सी है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में पूछा गया, राजस्थान में गवर्नमेंट स्कूल पिछड़े हैं आप इनमें क्या सुधार करोगे। ठीक है दोस्तों टीचर थोड़ा विशेष ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन का, नामांकन क्षेत्र कैसे बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार की समस्या को कैसे दूर करेंगे, नवाचार क्या क्या किया अभी तक आपने, खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। विंबलडन टेनिस के अंतर्गत टेनिस के में बड़े जो कंपटीशन है उसका नाम बताओ, वो आपको विंबलडन वगैरह ये बताने थे, 4 ग्रैंड स्लैम, ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किसने जीता। उसके बाद में दोस्तों हिमांशु जी पाटीदार का ये है, बांसवाड़ा से रिलेटेड है, आर डी सैनी जी का बोर्ड था, जॉब ये अध्यापक है हिमांशु जी पाटीदार, 10th 12th और ग्रेजुएशन से बेसिक सवाल पूछते हैं हमेशा। उसके बाद में बांसवाड़ा डूंगरपुर को किस नाम से जाना जाता, वांगड़ क्षेत्र, यहाँ की बोली वांगड़ी है, इस क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता, टीएसपी एरिया है दोस्तों, टीएसपी से संबंधित प्रश्न पूछा गया, टीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से जिले सम्मिलित होते हैं, टीएसपी से कोई विशेष फायदा हुआ है क्या। उसके बाद में डोकलांग विवाद पूछा, युद्ध की क्या संभावना है इसके ऊपर, भारत के हित क्या है इसमें, योग के सर्वांगीण विकास कैसे हो सकता है योग से, दोस्तों योग कर्मेशु कौशलम ये उक्ति बहुत बतानी है आपको। उसके बाद में बताना है कि योग होता है वो योग करता है, किसका योग करता है, जोड़ता है किसको, मन और शरीर को, अष्टांगिक योग के बारे में वर्तमान में पाठ्यपुस्तक का पुनर्लेखन होना चाहिए कि नहीं। उसके बाद में टीएसपी के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं और वर्तमान पाठ्यक्रम में नवाचार क्या क्या होने चाहिए। ठीक है दोस्तों
नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊंगा अनेक वीडियो। जय हिंद, जय भारत।